अस्सलाम वालेकुम, बोली न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ बुशरा हक। कोरोना की बात करते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वोलिक वबा के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 79 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 24,266 हो गई। NCOC के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना के 4,619 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज़ किए गए 59,504 टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मोहलिक वबा के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 79 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या समझते हैं कहाँ लैकिंग है, क्यों हम जो है वो आवाम को SOPs पर अमल दरामद के लिए रागिब नहीं कर पा रहे? जी बहुत शुक्रिया जी। इसकी सबसे बुनियादी वजह है कि हमारे लीडर्स और हर किस्म के लीडर्स, मीडिया के लीडर, सियासी लीडर, गैर सियासी लीडर्स, इनमें से कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, कोई भी SOPs पे उस तरह अमल करता हुआ पब्लिक में नज़र नहीं आ रहा। तो जब जनरल पब्लिक ये देखती है कि हमारे जो बड़े जिनसे हम लीड हासिल करते हैं वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान है क्योंकि डेल्टा वेरियंट इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ा रहा है और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर इन्फेक्शंस बढ़ती जा रही हैं। और एक ख़तरा ये भी है कि ये जो डेल्टा है शायद, और उसमें मैं कह रहा हूँ कि शायद बच्चों के लिए निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा मोहलक है पहले वेरियंट्स की निस्बत। तो डॉक्टर साहब, अब तक वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए लॉन्च नहीं की गई है, तो फिर वैक्सीन के हवाले से क्या कुछ काम हो रहा है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी? जी, वैक्सीन जो अमेरिका वगैरह में है वहाँ तो 12 साल से ऊपर वालों को वो देनी शुरू कर चुके हैं। और जो स्कूल वो खोल रहे हैं तो वो इसी वजह से खोल रहे हैं कि उनके बच्चों को भी वैक्सीन लग रही हैं। बाज़ ममालिक में 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। तो बच्चों के लिए भी अभी तक जितना डेटा आया है ये वैक्सीन महफूज हैं और जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में क्योंकि हमारे पास ठीक है, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या यही वैक्सीन बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? अगर बच्चों को भी लगाई जा सकती है तो उसके लिए कोई एज भी मुक्तस है कि इतने साल के उम्र के बच्चे को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है? और जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं बच्चों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, क्या एज है उन बच्चों की? जी हाँ, जो वैक्सीन्स हैं बिल्कुल यही वैक्सीन्स बच्चों के अंदर भी लगाई जा रही हैं और मुख्तलिफ डोजेज के साथ ट्रायल्स भी हो रहे हैं कि बच्चों के लिए किस उम्र के बच्चे के लिए कितनी मकदार इसकी मुनासिब रहेगी। लेकिन वो अमेरिका जैसा मुल्क 12 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है। जो मिडल ईस्ट में बाज़ ममालिक के अंदर उन्होंने 3 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। तो इस वजह से और जिस बड़ी तादाद में ये वैक्सीन लग रही है पूरी दुनिया में कोई मेजर हमें साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कोई ऐसा खुदा नास्ता नहीं मिल रहा जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये वैक्सीन आप इस्तेमाल ना करें। और मेरा अपना ख्याल है कि जूं जूं पाकिस्तान में वैक्सीन की मकदार में इजाफा होगा, हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन होगी, तो यहाँ भी इवेंचुअली हमें बच्चों को लगानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्चे उस तरह SOPs को फॉलो नहीं कर पाते जिस तरह बड़े कर लेते हैं और बच्चे उस तरह मास्क भी नहीं लगाते जिस तरह बड़े लगा लेते हैं, कितनी उम्र के बच्चे को जो है वो मास्क लगाना लाजमी होता है? देखिए, अमेरिका के अंदर तो उन्होंने कह दिया कि जो बच्चा स्कूल में जाता है वो बेशक जितना छोटा मर्जी हो उसको मास्क लगाना चाहिए, और अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो अब प्रॉब्लम इसमें 2-3 आते हैं। बच्चों के अंदर आम तौर पे मेजॉरिटी के अंदर सख्त डिजीज़ नहीं होती, यानी कि उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, हल्की फुल्की होती हैं कुछ बच्चों के अंदर ज़्यादा होती हैं, लेकिन तादाद को अगर हम देखें तो कम बच्चों के अंदर सीवियर कंडीशन आती है। लेकिन उसके साथ ये हमें पता लग गया हुआ है कि जो बच्चे जिनके अंदर कोई अलामत नहीं होती और वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं लेकिन कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं जब आप टेस्ट करें, लेकिन ऐसे बच्चे भी जिनके अंदर अपने कोई अलामत नहीं, वो आप जब अपने घर जाते हैं तो घर वालों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को वो इन्फेक्शन लगा देते हैं। तो सिर्फ बच्चों का ये रोल नहीं है कि खुदा नास्ता उनको लग रही है, बड़े सबको ही एहतियात लाजमी है और सबको ही SOPs फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर हमारे साथ। तालिबान के काबुल की जाने पेशकदमी, कंधार का कंट्रोल भी संभाल लिया। तालिबान 34 में से 12 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके। सूरत हाल देखते हुए अफगान हुकूमत ने तालिबान को शराकत इक्तदार की पेशकश कर दी है।
तालिबान को रोकना हो गया महाल, अफगान हुकूमत बन गई बेबसी की मिसाल। तालिबान तूफान की रफ्तार से काबुल की जाने बढ़ने लगे। 34 में से 12 सूबाई दाल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके। कंधार का कंट्रोल भी संभाल लिया। सूबे फारा, बदखशा, बगलान, नमरोस, जोजान, कंदोस, सरायपुल, तखार और समनगान पर भी तालिबान का कब्जा है, जबकि एबक, कंदोस, तालकान, शबरगान और जरंज भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं। तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी ने अफगान हुकूमत को सुलह पर मजबूर कर दिया। अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक्तदार में शिरकत की पेशकश कर दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल से अमरीका में तशवीश। अमरीकी शहरियों को अफगानिस्तान से निकल जाने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तमाम अमरीकी शहरी फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान ने भी मजार शरीफ, हरात और कंधार में वीज़ा ऑपरेशन बंद कर दिया। अफगानिस्तान में संगीन सूरतेहाल, अमरीकी शहरियों का रहना हो गया महाल। अफगानिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्की हो गए गैर महफूज। हर मुल्क अपने शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फिक्रमंद। तालिबान की अफगानिस्तान के दार हुकूमत काबुल की जंग के बाद अमरीका ने एक मरतबा फिर अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारतखाने भी बेबस अपने शहरियों को बता दिया कि खराब सिक्योरिटी सूरतेहाल और कम स्टाफ के बाइस मदद करना मुश्किल हो रहा है। सिफारती अमले में भी कमी करने का ऐलान। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की खराब सूरतेहाल से परेशान। मजार शरीफ, कंधार और हेरात में अपने कौंसल खानों में वीजा ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सिफारत खाने चराय का कहना है कि इन इलाकों की सिक्योरिटी सूरतेहाल की वजह से ये फैसला किया गया है। अमेरिका ने कर लिया फैसला। पेंटागन अफगानिस्तान से अमेरिकी सिफारती अमले को निकालने के लिए 3,000 फौजी भेजेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फौजी भेजने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। फौजी अहलकार बरतानवी शहरियों के इनखला में भी मदद करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सिर्फ गन साफ करने के लिए कारामद समझता है, जो वो 20 साल की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में छोड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमेरिका पर शदीद तनकीद। गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अब अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो उसने पिछले 20 वर्षों में नहीं किया। वाजे कर चुके अमेरिका को कोई फौजी अड्डा नहीं देंगे। अमेरिका ने भारत को पार्टनर बना लिया, जिस वजह से पाकिस्तान से सलूक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान has already been being made a scapegoat by Afghan government. It is blaming Pakistan for all the misgovernments and the kleptocratic government that Afghanistan has been. The whole hasty way that the Americans have suddenly left. The Americans, if you wanted a political settlement, common sense is that when you have 150,000 NATO troops there, that was the time to do a political settlement. They are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. They've been there for 20 years. What will they do now, which they didn't do in 20 years? Pakistan will deal with any government that is elected or selected by the people of Afghanistan. The direct impact of this descending into a prolonged civil war, and the country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. We do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. And as far as I know, that after 31st, the Americans are going to stop all sorts of even air attacks on Afghanistan. अमरीकी सदर जो बाइडन की फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान रॉयटर्स के नुमाइंदे के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि सदर जो बाइडन ने मुझे कॉल नहीं की, ये उनका मामला है, ऐसा नहीं है कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। Blaming Pakistan when you have when there's no leverage left, when the Taliban think they are winning, for the Afghan government, all the mind you, first time I'm seeing that the Afghan government are not blaming the Americans the way they exited, so they too are not blaming the Americans. So finally, and the other thing about, you know, I keep having the President Biden hasn't called me. Well, it's his option. If he wants to call or not, it is business. If he thinks it's necessary or not, I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative.